महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट पर सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने मामला 7 जजों की पीठ को सौंपने का फैसला किया है। इसी के साथ कोर्ट ने इस मामले में कई अहम टिप्पणियां की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि महाराष्ट्र के राज्यपाल का निर्णय भारत के संविधान के अनुसार नहीं था। तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सिंधे गुट के 34 विधायकों के अनुरोध पर फ्लोर टेस्ट कराने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि फ्लोर टेस्ट कराने का उनका फैसला सही नहीं था, क्योंकि राज्यपाल के पास इस निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई ठोस आधार नहीं था कि उद्धव ठाकरे बहुमत खो चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल के पास विधानसभा में फ्लोर टेस्ट बुलाने का कोई पुख्ता आधार ही नहीं था। फ्लोर टेस्ट को किसी पार्टी के आंतरिक विवाद को सुलझाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्यपाल के पास ऐसा कोई संचार नहीं था जिससे यह संकेत मिले कि असंतुष्ट विधायक सरकार से समर्थन वापस लेना चाहते हैं। राज्यपाल ने शिवसेना के विधायकों के एक गुट के प्रस्ताव पर भरोसा करके यह निष्कर्ष निकाला कि उद्धव ठाकरे अधिकांश विधायकों का समर्थन खो चुके हैं। अब वहीं महाराष्ट्र में इस सियासी संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिवसेना उद्धव बाला साहब के प्रमुख उद्धव ठाकरे का बयान सामने आया है। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले ही उद्धव के इस्तीफे देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर उद्धव ने कहा कि एकनाथ शिंदे ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा। उन्होंने कहा कि जिन्हें पार्टी ने सब कुछ दिया उन्होंने ही गद्दारी की, गद्दार लोगों के साथ सरकार कैसे चलाता, ऐसे में नैतिकता के आधार पर मैंने इस्तीफा दे दिया। अब ऐसे में विपक्ष की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। विपक्ष तत्कालीन राज्यपाल पर गंभीर आरोप लगा रहा है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि महाराष्ट्र में तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जिस तरह संविधान के खिलाफ काम किया, ऐसे में कौन इतने बड़े संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति की बात पर भरोसा करेगा। सत्ता के पक्ष में संविधान को ताक में रखकर फैसला देना यह संविधान के नियमों के खिलाफ है।